गुरुग्राम में राव नरवीर सिंह के घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें बीजेपी में टिकट के ऐलान से पहले की हैं और यहां जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि राव नरवीर ने जो डिमांड केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी थी वो मान ली गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व मेरे हक में फैसला करेगा और राजनीतिक चर्चा होती है जब चुनाव समय आता है कि कौन कहां से जीत सकता है, कौन प्रत्याशी कैसा होगा, तो उस बारे में चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि आज लिस्ट आएगी और उसमें बादशाहपुर से राव नरवीर का नाम आएगा। राव नरवीर गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार पार्टी ने टिकट काट दिया था, तब एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई थी। इस बार राव नरवीर ने पिछली बार से सबक लेते हुए पहले ही बागी तेवर दिखा दिए। हर हाल में चुनाव लड़ने वाला बयान वायरल हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने को बुला लिया। दो दिन पहले भेंट हुई और फिर टिकट का भरोसा मिल गया। हरियाणा के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा थी कि राव नरवीर को टिकट दिए जाने का विरोध केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खेमा कर रहा था। इंद्रजीत अपने कैंप के लिए दर्जन भर टिकट की डिमांड कर रहे थे। खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने राव इंद्रजीत को भी मना लिया है और उनकी बेटी आरती को अटेली से टिकट मिलने की बात कही जा रही। सूत्र बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत के 4 से 5 समर्थकों को भी टिकट में एडजस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। असल में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हर छोटे बड़े नेताओं की बात को पार्टी नेतृत्व सुन रहा है और उन्हें भरोसे में ले रहा है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट मिलना तय है। जिस इलाके में जो सहयोगी छोटे दल प्रभावी हैं उनके लिए भी पार्टी सीट छोड़ने वाली है। एबीपी न्यूज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की और चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर फैसला लेगा। ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर भी रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रहेगा और विधानसभा के अपने लोकल मुद्दे भी रहेंगे। एचएलपी को के साथ एक सीट को लेकर ही चर्चा हुई है या ज्यादा सीटें भी दे सकते हैं उस रीजन में? एक सीट की हमारी चर्चा हुई है और वो हमारे एनडीए का घटक दल है और एक सीट की बातचीत हुई। अब बीजेपी के एक और नेता से मिली, इनका नाम रणजीत चौटाला है। सरकार में मंत्री हैं, फिलहाल रनिया सीट से विधायक हैं और पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे। गठबंधन में ये सीट सहयोगी दल के खाते में जाने की बात आई तो रणजीत ने बागी तेवर दिखाए। अब कह रहे हैं कि कहीं नहीं जा रहा। ये बेकार की बातें हैं कि मैं दिल्ली में डेरा डाले हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का कल लोकसभा चुनाव लड़ता है। ये बेसलेस बात है, बेकार की बात। रणजीत चौटाला बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए। बीजेपी जीत के लिए न सिर्फ नेताओं को मना रही है बल्कि परिवारवाद से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक के फॉर्मूले को दुरुस्त कर रही है। हरियाणा के जातीय समीकरण को देखें तो करीब 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुसलमान, 4% सिख, 3% गुर्जर और 17% अन्य जातियाँ हैं। हरियाणा में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य, किरण चौधरी की बेटी सुत्री चौधरी सहित करीब 2 दर्जन युवा चेहरों पर दाव लगाने जा रही है। टिकट के लिए बड़े नेताओं की सीट फाइनल हो चुकी है, अब इंतजार लिस्ट जारी होने का है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.